इस पात्र को देख रहे हैं। एक कुम्हार इस पात्र को बड़ी यातना से, बड़ी सावधानी से गढ़ता है। वो इसे अग्नि में तपाता है और इस योग्य बनाता है कि भीषण ताप में ये प्यासों की प्यास बुझा सके। और इस घट का आरंभ जल से होता है। यदि जल ना हो तो इसकी माटी को ना गूंथा जा सकता है और ना ही इसे चाक पर आकार दिया जा सकता है। जल इसका लक्ष्य है, क्योंकि इसे अपने भीतर जल को संचित करके रखना है। परंतु आरंभ और लक्ष्य के मध्य इसे एक कठिन तपस्या से होकर जाना होता है। इसे ताप सहना होता है, रात भर अलाव में पकता है। और यही समस्या मनुष्य के साथ भी होती है। यदि उसे अपने जीवन में लक्ष्य पाना है तो उसे दुखों का, कठिनाइयों का और बाधाओं का ताप सहना होगा। क्योंकि बिना जला हुआ घट, बिना तपा हुआ घड़ा जल का संचय नहीं कर सकता। हम सबके जीवन में एक समस्या अवश्य आती है कि किसके समक्ष झुका जाए और किसके समक्ष ना झुका जाए। अधिकतर लोग ये कहते हैं कि एक स्वाभिमानी किसी के समक्ष नहीं झुकता, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि जिसका आकार बड़ा होता है वो झुका हुआ है। विभिन्न मत हैं इस विषय में, परंतु सत्य क्या है? क्या आपने कभी सत्य को जानने का प्रयास किया? विचित्र पहेली है ना। वास्तविकता में ये सब परिस्थिति जन्य है। परिस्थिति के अनुसार झुकना भी उचित है और परिस्थिति के अनुसार ना झुकना भी। यदि आपको ऐसा लगे कि ये बात अनुचित है, आपके मन, आपकी आत्मा से ये स्वर उठे कि ये अनुचित है, तो ना झुकिए। ऐसा करना आपकी आत्मा को उठा देगा। और यदि आपको ऐसा लगे कि किसी की बात उचित है परंतु अपनी आयु, अपने पद, अपने अहंकार के कारण उस बात को आप मान नहीं पा रहे, तो तुरंत नतमस्तक हो जाइए, तुरंत झुक जाइए। क्योंकि ऐसा करने से आपके अहंकार का आकार कम हो जाएगा और आपके व्यक्तित्व का कद और बढ़ जाएगा। आपने अपने जीवन में कभी तलवार खरीदी है? क्या देखकर तलवार खरीदते हैं? उसकी मयान देखकर या उसकी धार देखकर? अरे मैं भी कैसा प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ये आवश्यक थोड़ी कि आप कोई योद्धा या क्षत्रिय हो। ये भी हो सकता है कि आप कोई व्यापारी, कोई छात्र या शिक्षक हो। तो चलिए मैं आपसे ये पूछता हूं कि आप नए वस्त्र कैसे खरीदते हैं? क्या उसका रंग रूप देखकर खरीदते हैं या उसकी गुणवत्ता देखकर? गुणवत्ता देखकर, है ना? ठीक उसी प्रकार जब आप किसी मनुष्य से मिले तो उसके रंग रूप पर मत जाइए, उसका आचरण समझने की चेष्टा कीजिए, उसकी मेधा, उसकी प्रतिभा का मूल्यांकन करने का प्रयास कीजिए। आपका जीवन बहुत ही सरल हो जाएगा। संसार में सबसे अधिक घाव किससे हो सकता है? इंद्र के वज्र से या विष्णु के चक्र से या भीम की गदा से या फिर गांडीव के बाण से? नहीं, सबसे अधिक घाव यदि कोई पहुंचा सकते हैं तो वो हैं हमारे शब्द, हमारे वचन। यदि शब्द बाण है, अस्त्र है, तो हमारी जीभा उनका संधान करने का यंत्र है। शब्द चाहे तो अमृत बनकर आपको जीवन दान दे सकते हैं या फिर घृणा का विष बनकर आपके जीवन को पीड़ादायी बना सकते हैं।
ये शब्द ही हैं जिनके घाव का किसी भी वैद्य के पास कोई उपचार नहीं। इसलिए जो वस्तु जितनी घातक होती है वही वस्तु उतनी ही अमूल्य भी होती है, और वचन सबसे अमूल्य होते हैं। इसलिए मीठी बोली बोलने का प्रयास कीजिए, अपने हृदय की तुला से तौल कर वचन बोलने का प्रयास कीजिए।